मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं दोस्तों, जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत चीजें उनके दिल दिमाग में भागती रहती है, पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज उन्हें रोक देती है। वो करने से डर जाते हैं वो चीजें जिसका वो सपना देखते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में जिनके साथ पास्ट में इतना बुरा हुआ होता है कि वो आज के समय में भी वहीं फंसे रहते हैं, कभी वहां से निकल ही नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि वो लोग सोचते नहीं निकलने की, वो सोचते भी हैं और हमेशा कोशिश भी करते हैं, पर पास्ट की पुरानी यादें ऐसे जख्म हमारे अंदर कर देती है कि हमारा उससे निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। कभी छोड़ा है ऐसे किसी शख्स ने आपको जिसे आप जान से ज्यादा प्यार करते हो, या ऐसे किसी शख्स ने आपको धोखा दिया है जिससे ये उम्मीद ही ना रखी हो, या ऐसा कोई सपना टूटा है जिसके भरोसे आपने जिंदगी भर के सपने देखे हो? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए ही बनी है। इस वीडियो में एंड तक आपके अंदर से इस पास्ट के फियर को निकाल फेंकूंगा मैं, और आप बहुत फ्रेश फील करोगे, मेरा यकीन करो। पास्ट की गहराई इतनी ज्यादा होती है दोस्तों कि उससे निकलना इतना आसान नहीं होता, या यूं कह लो कि हम उससे निकलने में जो भी चीजें करते हैं वो हमें उसी गहराई में ले जाती है। पर ये है क्या? सबसे पहले तो ये जानते हैं कि पास्ट क्या है, ये हमें भूलना चाहिए या नहीं। अपने दिमाग में एक चीज बहुत अच्छे तरीके से बैठा लीजिए, आप सब की पास्ट कोई बुरी चीज नहीं है। आपके साथ जो बुरा हुआ वो पास्ट की गलती नहीं थी, वो लोगों की गलती की वजह से हुआ जिन्हें हम अपना मान रहे थे। अभी 10 मिनट बाद ये वीडियो भी पास्ट में चली जाएगी, तो क्या इस पास्ट में भी सब बुरा ही है? ऐसा नहीं है, पास्ट के बीते दिन ही है जिनकी वजह से हम दुनिया की असल पहचान कर पाते हैं। आपको भूख होगी तभी आप रोटी की तलब जान पाओगे, आपकी प्यास ही आपको पानी का असली मतलब बताएगी। उसी तरह जिंदगी के गम ही आपको जिंदगी की खुशियों से वाकिफ कराएंगे। और पास्ट में बुरा किसके साथ नहीं हुआ यार, आप पास्ट की बात कर रहे हो, इस टाइम भी किसी न किसी के साथ कहीं ना कहीं कुछ बुरा हो ही रहा होगा। ये दुनिया है, हम अगर उस वक्त किसी पर भरोसा करके टूटे हैं तो हम उसकी सजा खुद को अब तक क्यों दे रहे हैं? क्यों आखिर लंबे समय तक खुद को अंधेरे में रखते हैं हम सब? पास्ट में कोई लड़के या लड़की रिलेशनशिप में चीट करते हैं तो हम सब पूरी दुनिया के लड़के या लड़की को गलत समझने लगते हैं, हम समझते हैं कि यहाँ सब धोखेबाज हैं। और अगर कोई शख्स हमारे बहुत करीब का हमें धोखा देता है तो हम सब पूरी दुनिया को ही कसूरवार मानने लगते हैं। आखिर क्यों करते हैं हम ये सब? ये बात आपको मैं एक बात से समझाता हूँ कि मान लो किसी से बाहर सड़क पर आपके किसी जानने वाले का एक्सीडेंट हो गया और आप उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हो, तो वहाँ डॉक्टर ने उसे बचा लिया और पूरी तरह ठीक कर दिया। अब यहाँ क्या पूरी दुनिया को ही अच्छी या बुरी मानने लगोगे आप लोग? यहाँ एक्सीडेंट करने वाला भी कोई इंसान था और बचाने वाला भी कोई इंसान ही था। बहुत छोटी है पर बहुत कुछ सिखाती है ये बात। इसका मतलब है कि दुनिया में हर तरह के लोग हैं, बस हमें अपने दिल दिमाग से लोगों को पहचानना आना चाहिए। पास्ट कोई तकलीफ नहीं है, पास्ट की यादें हमें दुनिया से रूबरू करवाती है कि क्या चीज हमें अब नहीं करनी। किसी से प्यार करते वक्त बिल्कुल आंखें बंद करके प्यार करते ही नहीं रहना, उसके बारे में जानना है, उसे समझना है। किसी पर इतना भरोसा नहीं करना कि वो शख्स हमारे हर राज जानकर हमें ही धोखा देने लगे। और अगर पास्ट में कभी आपको नाकामयाबी हासिल हुई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कभी कोशिश ही ना करो, कोशिश करो और करते रहो। ये सांस जब तक है तब तक अपनी खुशी का काम करते रहो, हम अपनी खुशी के लिए ही तो यहाँ पर आए हैं। पास्ट का डर कुछ नहीं है, बस हमारे दिमाग द्वारा बनाया गया एक वहम है। हमें लगता है कि हमारे ही दुख सबसे ज्यादा है, हम लोगों को यही यकीन दिलाते रहते हैं कि आप हमारा दुख नहीं समझोगे। अरे क्यों नहीं समझेंगे यार, दुख दुख होता है, कम या ज्यादा तो हम खुद बनाते हैं उसे। जो बीत गया है कि आप उसे बदल सकते हैं? कभी नहीं। तो जो चीज आप नहीं कर सकते उस पर वक्त जाया क्यों कर रहे हो? आप अगर कुछ बदल सकते हो तो वो है अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर जो आपके ही हाथों में है। आप चाहो तो उसे रोते रोते गुजार दो और आप चाहो तो उसे खुल कर जियो कि भाड़ में जाए पास्ट। जो होना था हो गया, अब आगे की जिंदगी तय करनी है। उस चीज को करने में कभी पीछे मत हटना जो आपको अंदर से खुशी देती है, जो आपको फील करवाती है कि आप कुछ स्पेशल हो। अपने आप को जिस दिन भी पहचान लिया आपने, उसी दिन से आपकी जिंदगी इतनी हसीन होनी शुरू हो जाएगी कि आप और ज्यादा जीने की जिद करोगे। बीती यादें, जख्मी दिल और चेहरे पर मुस्कुराहट, ये तीन चीजें जो दिल को सुकून देती है, दूसरी कोई चीज आपको कभी नहीं दे सकती, मैं लिख कर दे सकता हूँ। और पास्ट अगर बुरा गया है ना यार, तो उससे बेहतर आपको कोई और बना भी नहीं सकता था। वक्त में इतनी शक्ति होती है कि वो कोयले को भी हीरा बनाने का दम रखता है। उसका शुक्र अदा करो कि उसने आपको इतना तपाया कि आप हीरे की तरह चमकने लगो, ताकि आपकी चमकाहट इस दुनिया के कोने कोने में फैले। अपने आप को बेहतर बनाओ और बेहतर बनाने के लिए अपने गोल सेट करो। गोल सेट करने से आपका दिल दिमाग उसको पाने में लग जाएगा और आप जिंदगी में कुछ पाने को उत्सुक रहोगे, तो आप खुद को पीछे के दिनों से आजाद महसूस करोगे। और अगर गोल बनाने में भी आपको कुछ ज्यादा सोचना पड़ता है तो पहले छोटे गोल बनाओ कि मुझे ये खरीदना है, मुझे ये लेना है या यहाँ जाना है। ऐसा करते ही आप उस चीज को पाने के लिए मेहनत करोगे और खुद को बिजी रखोगे।
अपने आप को खाली कभी मत रखना दोस्त, खाली करोगे वक्त को तो यह आपको खाली कर देगा। हर समय हर घड़ी कुछ ना कुछ सीखते रहो, सीखा हुआ कहाँ काम आ जाता है आप सोच भी नहीं सकते। आपकी स्किल जितनी ज्यादा गुड होगी आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही हाई रहेगा, और कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है ना दोस्तों तो पास की जंजीर चाहे कितनी भी मोटी क्यों ना हो खुद ब खुद टूट जाती है, मेरा यकीन करो। और जहां भी जिसने भी आपको धोखा दिया है या दिल दुखाया है ना, निकाल फेंको उन्हें अपने दिमाग से और आगे बढ़ने की सोचो। जब हम माफ कर देते हैं किसी को तो ऑटोमेटिकली हमारे दिल दिमाग में एक हल्कापन महसूस होने लगता है, जैसे हम कहीं से निकल गए हो। और जिस भी शख्स को एक बार माफ कर दोगे ना वो कभी आपसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि बदला हम उसी से लेते हैं जो हमारे बराबर का हो, और आपकी माफी आपका कद इतना ऊंचा कर देगी कि फिर आपसे नजरें मिलाने के लिए उसको गर्दन ऊंची करनी पड़ेगी। इसलिए माफ करो और आजाद हो जाओ उन जंजीरों से जिसने आपको बांध रखा है। और सबसे जरूरी और आखिरी बात बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी बदल देगी, कि हर रोज कम से कम 15 मिनट खुद के लिए निकालो। अपने आप को हर चीज से परे कर दो, अपनी आंखें बंद करके अपने अंतर्मन को सोचो, खुद को ठंडा महसूस करो, खुद की खुशी सोचो। आंखें बंद करके वो चीज सोचो जो आप जिंदगी में करना चाहते हो, वो चीज जो आपको बहुत खुशी देती है, वो जो आपको रिलैक्स फील करवाती है। उस जगह के बारे में सोचो जहां जाकर आप बहुत पीस महसूस करते हो। रोज 15 मिनट खुद से सवाल जवाब करो कि मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये पाना चाहता हूं, और इसके लिए मुझे ये करना होगा, और फिर उसी काम को करने में लग जाओ। जिस दिन भी आपने जिंदगी इस तरह से बितानी शुरू कर दी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं चाहे पास्ट हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे अपने हो, चाहे पराए, कोई भी आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएंगे। आपकी जिंदगी का हैंडल आपके ही हाथों में होगा, आपके ही हिसाब से वो मुड़ेगी, आपके ही हिसाब से चलेगी। अपने आप पर हौसला रखो, अपने आप को किसी भी चीज का गुलाम मत बनाओ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इन बातों से आपके अंदर एक जज्बा भरा होगा जीने का, आगे बढ़ने का। ऐसे ही बेहतरीन अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। कीप एंजॉय एंड कीप मोटिवेटेड।